जिला अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाएगी। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर मुकुल बंसल ने पुलिस विभाग को अस्पताल में अस्थायी पुलिस चौकी बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। CMS डॉक्टर मुकुल बंसल का कहना है कि अस्पताल में कानून व्यवस्था की दृष्टि से सुरक्षा बनाए रखना बेहद आवश्यक है। फौजदारी मारपीट जैसे समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती है। ऐसे में अस्पताल में पुलिस कर्मियों की तैनाती रहना बेहद आवश्यक है। अब जिला अस्पताल में जल्द ही अस्थायी पुलिस चौकी देखने को मिलेगी। जिला अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिला अस्पताल में फौजदारी मारपीट जैसी तमाम घटनाओं के केसेज आते हैं, तो ऐसे में यहाँ सुरक्षा भी बेहतर होनी चाहिए। मथुरा के जिला अस्पताल में अब एक अस्थाई पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। अब इस चौकी का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं CMS डॉक्टर मुकुंद बंसल जी के पास में, और हम उनसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जिला अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि से एक अस्थाई पुलिस चौकी बनाई जा रही है, क्या है इसकी जानकारी? चूँकि जिला अस्पताल में हर तरीके के मरीज आते हैं, जिले में बहुत सारी फौजदारियाँ होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गंभीर मरीज भी आते हैं, CT स्कैन भी मरीजों के होते हैं, डायलिसिस भी होती है, एक्सरे होते हैं, पैथोलॉजी की जांचें होती हैं, तो जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की बहुत आवश्यकता रहती है, लॉ एंड ऑर्डर की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है जी। तो आज CO CT वरुण जी के साथ में मैंने मीटिंग की है, और मैं जिला चिकित्सालय मथुरा में पुलिस की अस्थाई चौकी अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, वो उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया। कौन बता रहे थे, कप्तान साहब से भी बात हो गई है, तो मरीजों की सुरक्षा की दृष्टि और हमारे स्टाफ की और चिकित्सकों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, तो वो जल्दी आपको जो है वो गोविंद जी पुलिस की अस्थाई चौकी स्थापित हम जिला अस्पताल में करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, ये एक प्रयास है जिला अस्पताल के प्रशासन का। अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना का कोविड का दौर भी चल रहा है, तो जिला अस्पताल क्योंकि एक सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आता है तो जिला अस्पताल में आता है, तो ऐसे में जिला अस्पताल में क्या कुछ एक्स्ट्रा किया जा रहा है, कोरोना की दृष्टि से क्या सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं? आप लोगों ने सेकेंड वेव में जिला अस्पताल का पूरा रोल देखा है, जहाँ पर मरीज जो है वो सारे मरीज ऑक्सीजन, किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, और सारे मरीज जो है वो पूरी तरीके से उपचारित होकर गए। जिला अस्पताल का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, ये सब आप लोग इसके गवाह हैं। इसके बाद जो जो हमें कमियां इसमें उस दौरान समझ में आई, माननीय मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी का इसमें पूरा सहयोग रहा, उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई में भी जिला अस्पताल का बहुत सहयोग कराया। ऑक्सीजन की दृष्टि से कितनी उपलब्धता है जिला अस्पताल में? ऑक्सीजन की दृष्टि से जिला अस्पताल में जो ज़रूरत है ऑक्सीजन की, अब हमारा ऑक्सीजन प्लांट शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा, टेस्टिंग में लग चुका है। यदि थर्ड वेव आती है तो हमारा जिला अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है, ऑक्सीजन प्लांट बस टेस्टिंग में लगा हुआ है, बहुत जल्दी इसका हम शुभारम्भ करने जा रहे हैं। धन्यवाद अच्छी हमारे साथ रहे जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर मुकुंद बंसल साहब, जो उन्होंने जानकारी दी है कि जिला अस्पताल बेहद महत्वपूर्ण संस्थान होता है, जहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से भी, उन्होंने कहा है कि जिला अस्पताल में बहुत जल्दी ही एक अस्थाई पुलिस चौकी बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी यहाँ पर ये बेहद डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं जहाँ पर मारपीट, फौजदारी, ऐसे तमाम केसेस आते हैं कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है कई बार, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर बहुत जल्दी ही जिला अस्पताल में पुलिस की अस्थाई पुलिस चौकी बनने जा रही है। न्यूज़ कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।